गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हियर वी स्टार्ट अवर यूनिट एक्स यूनिट एक्स ज्योमेट्री सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द ज्योमेट्री जोमेट्री इीन्स शेप्स स्टडी ऑफ शेप्स एंड फिगर्स फिगर्स और शेप्स एंगल्स इन सभी के बारे में हम ज्योमेट्री में डालें पढ़ेंगे सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हेयर सम कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक्स लेट अस लर्न अबाउट एंगल्स एंड देयर टाइप्स एंगल्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे ट्राइंगल्स एंड इट्स टाइप्स सर्कल सैमी सर्कल पैरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ रैक्टेंगल पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर पैरिमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन सॉलिड शेप्स नेट्स ऑफ अ क्यूब एंड अवय टेन ग्राम व्यू फ्राम डिफरेंट प्लेसेस एंड सीमेट्री ओके सो हे आर वी गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज और बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज यू मस्ट अंडरस्टूड अबाउट द एंगल्स एंड देयर टाइप्स एंगल्स आपने देखा होगा कभी भी आप जब अपना हैंड uh, भी फोल्ड करते हैं एल्बो की साइड से तो एक वर्टेक्स बनती है और आप देखिए ये कैंची बनी हुई है तो ये जो शेप्स है ये एक एंगल बना रहा है ठीक है ये एक एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है ठीक है ये बुक्स है जब बुक्स को खोलते हैं हम बंद करते हैं तो इस तरीके से भी ये एक एंगल बनाता है यहाँ से ऐसे करके तो ये एंगल्स इस टाइप से ये एंगल बनते हैं ये देखो एंगल्स में एक वर्टेक्स होती है आपकी और दो आर्म्स होती हैं ओके लाइक दिस यहाँ पर बना हुआ देखो ये दो आर्म्स हैं और ये इस कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स ठीक है सो so, अब एंगल तो आपने देख लिया एंगल इसे कहते हैं इस तरीके से बनता है दो आर्म्स होते हैं और एक वर्टेक्स होता है नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल्स ठीक है तो ये तो इंटीरियर पार्ट्स होता है जो एंगल के अंदर होता है तो ये इंटीरियर पार्ट्स है जो एंगल के बाहर है वो एक्सटीरियर पार्ट्स हैं तो अगर पूछा जाए तो पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी कहाँ है इंटीरियर ऑफ एन एंगल एंड एक्स वाई एन एक्स वाई इज़ एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल लाइक दिस यू कैन जज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल नाउ measuring एंगल्स एंगल को मेज़र करने के लिए हम प्रोटेक्टर का used करते हैं आपके geometry बॉक्स में ये होगा आपने देखा भी होगा इस चीज़ का हम यूज करते हैं इसमें टोटल 180 डिग्री के एंगल्स होते हैं ये देखिए है, स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री का एट्टी सेवेंटी 90 जैसे भी हम बनाते हैं ये डिग्रीज में मेजर होते हैं जैसे नाइन्टी निकला तो ऊपर हमें डिग्री का साइन लगाना होता है लाइक दिस ओके सो यू मस्ट नो हाउ टू मेजर द एंगल्स तो एंगल्स को मेजर करने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे मेजर करना है एंगल तो कॉपी में आपको एक बार बता देता हूँ ये है सो so, इसके लिए हम कंपास का यूज करते हैं ये, ये कंपास है फॉर एग्जाम्पल आपको सेवेंटी डिग्री बनाना है क्या बनाना है सेवेंटी डिग्री बनाना है सेवेंटी डिग्री बनाना है मान लो आपको सेवेंटी डिग्री ड्रॉ करना है ये लिख देता हूँ मैं यहाँ सेवेंटी डिग्री आपको ड्रॉ करना है ठीक है ये आपको कॉपी में नहीं बनाना है मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें दो स्केल है देखो एक तो ये नीचे चल रहा है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी सिक्सटी अप टू वन एट्टी ठीक है और एक इस साइड से चल रहा है ऊपर की तरफ ये बन रहा है है ना तो आप हमेशा ध्यान रखें जब अब आप सेवेंटी डिग्री या कोई भी एंगल बना रहे हो तो इस वाले ये पॉइंट को आपको दिखाई दे रहा होगा ये है ये पॉइंट ये पॉइंट दिखाई दे रहा है सेंटर इससे नीचे एक पॉइंट आप यहाँ पर रखें ठीक है ये पॉइंट आपने यहाँ रखा और ये आपने लाइन खींची अब इसी पॉइंट को आप जो है इस पॉइंट के नीचे लेकर आएंगे और ये वाली जो लाइन है इस लाइन को मैच कर लेंगे ठीक है इस लाइन के ऊपर मैच होना चाहिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये मैच हो गई अब आपको 70 डिग्री बनाना है ठीक है 70 डिग्री बनाना है तो 70 डिग्री कहाँ है ये हम inner circle, inner है हम इनर सर्किल इनर वाला स्केल ले रहे हैं ये वाला ये है सेवेंटी डिग्री तो ये सेवेंटी डिग्री की सीधी लाइन यहाँ पर गए और यहाँ पर एक डॉट रख दिया फिर इसको हम ज्वाइन कर देंगे ठीक है ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया ठीक है तो ये तो बन गया हमारा सेवेंटी डिग्री का एंगल क्या बन गया ये सेवेंटी डिग्री का एंगल इसको नेम भी दे सकते हैं अपन ए ओ और यहाँ दे दो बी तो एंगल को हम कैसे लिखते हैं एंगल पेन से लिख देता हूँ एंगल ए ओ बी हमेशा ये जो अल्फ़ाबेट होता है जहाँ वर्टेक्स जो अल्फ़ाबेट वर्टेक्स के पास होता है वो हमेशा बीच में आता है ये ध्यान रखना तो ए बी भी बोल सकते हैं ऐसे बी ओ ए बट बेटर होता है अगर हम अल्फ़ाबेटिकली बोलें इसको ए बी इस तरीके से तो ए बी तो ये आ गया तुम्हारा एंगल ऐसा कभी मत बोलना ए बी ओ ए बी ओ कोई एंगल नहीं बन रहा है हमेशा ध्यान रखना आपको ऐसे ही जाना है चाहे ऐसे जाएं या फिर ऐसे जाएं, बट आप ये नहीं बोलेंगे ए बी ओ एक एंगल बन रहा है नहीं ए बी बन रहा है और बी ओ ए बी से बोल सकते हैं तो इट इज़ गुड आप ये ध्यान रखें कि जो भी वर्टेक्स होती है जहाँ पर वो पॉइंट होता है वो हमेशा एंगल उसी पॉइंट पर बनता है इसीलिए वो अल्फ़ाबेट हमेशा बीच में आता है ए बी ए ओ बी ये नहीं बोलना है ओ ए बी ऐसा नहीं बनेगा ठीक है हमेशा ये ओ या कोई भी लेटर यहाँ हो वो बीच में ही आएगा ठीक है मैंने तो ए B नाम दिया है आप कुछ भी नाम ले सकते हैं अल्फाबेटिकली जो भी आपको लेना है लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द एंगल्स आप कोई भी एंगल इस तरीके से बना सकते हैं होप यू अंडरस्टूड थोड़ा डीपली इसको आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या है इसमें सो so, अब हम पढ़ेंगे ये है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंगल्स एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये सारी डेफिनेशन आपको यूनिट डालकर यूनिट सिक्स और उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एंगल आपको पूरे लिखना पड़ेंगे ये जो है आपको पूरा स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा यहां से ठीक है टाइप्स ऑफ एंगल्स तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले है एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है एन एंगल हुज मेजर मोर देन जीरो डिग्री एंड लेस देन नाइन्टी डिग्री वो एंगल जो जीरो और नाइन्टी डिग्री के बीच में हो ना तो जीरो बोलना है ना तो नाइनटी इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो कौन से एंगल होंगे एक्यूट एंगल होंगे कौन से होंगे एक्यूट एंगल होंगे ध्यान रखना एक्यूट एंगल क्या होते हैं वो एंगल जो जीरो और नाइन्टी के बीच में आते हैं इससे ना तो ज़ीरो ना ही नाइन्टी इन दोनों के बीच में जो एंगल्स आते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं ठीक है ऑप्टिज़ एंगल सिंपल आप समझ जाएं ऑप्टिज़ एंगल मतलब 90 और 180 के बीच में जो भी नंबर्स आपको 90 और 180 के बीच में दिखें वो क्या होंगे ऑप्टिज़ एंगल मतलब ये कि ये नहीं कि 90 भी ऑप्टिज़ एंगल है नहीं ना तो 180 एट्टी है ना 90 इनके बीच के जो नंबर हैं वो हमेशा ऑप्टूज एंगल होंगे मतलब 90 से बड़े और 180 से छोटे अब है राइट एंगल राइट एंगल मतलब सीधा 90 डिग्री का एंगल ये बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल देखो ये बना है पूरा 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट ठीक है वो एंगल जो सिर्फ 90 डिग्री बनाता हो वो राइट right एंगल होता है क्या होता है वो राइट right एंगल होता है स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल वो सीधा स्ट्रेट ये पूरी सीधी लाइन बन जाती है वन एट्टी डिग्री की ठीक है मैंने आपको कंपास पर उस पर प्रोटेक्टर पर दिखाया भी था आपने देखा होगा तो वो वन एट्टी डिग्री होता पूरा स्ट्रेट लाइन ओके ना ऑता रिफ्लेक्स एंगल नाओ द रिफ्लेक्स एंगल एंड एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री वो एंगल जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे और कंप्लीट एंगल वो होंगे जो टोटल होल 360 डिग्री बनाए मतलब पूरा गोल ये 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा ठीक है और वो एंगल जो 180 और 360 के बीच में होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे Hope you understood these definitions. Now copy in your fair copies before starting the exercise. aapko आपको ये पूरी copy karke करके लिखना है Now, let us practice. 6.1 पॉइंट वन हम स्टार्ट करेंगे ठीक है सिक्स पॉइंट वन में क्या है ये आपको कॉपी में नहीं करना है फेयर बुक इसमें नोटबुक में ही करना है ठीक है नेम द एंगल्स शोन एंड ऑल्सो नेम दर टेक्स एंड आर्म्स ऑन दफ़ द एंगल्स तो इस एंगल्स को अपन को क्या करना है नेम्स देना है नेम्स लिखना है और उसके वर्टेक्स लिखना है और आर्म्स लिखना है ठीक है इसके पीछे आप आंसर्स में से भी देख कर लिख सकते हैं बाकी मैं आपको के लिए बता देता हूँ सो अस प्रैक्टिस सिक्स पॉइंट वन इसमें आपको क्या करना है नेम देना है एंगल्स के नेम बताना है तो नेम बताने के लिए क्या करेंगे हम नेम बताना है तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम इसका नेम एंगल पी क्यू आर ठीक है और सेकंड वो क्या पूछ रहा है ऑल्सो नेम द वर्टेक्स तो वर्टेक्स क्या है क्यू ठीक है एंड आर्म्स ऑफ द एंगल आर्म्स क्या है पी क्यू है और क्यू आर पी क्यू एंड क्यू आर दो आम्स हो गई एक ये और एक ये

ऑप्टिव एंगल हो गया तो इनके नेम आपको खुद लिखना है मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है डेफिनेशन सो दिस ऑल वाज योर योर होमवर्क यू हैव टू डू इन टेक्स्ट बुक ऑल फॉर्ज यूर होम ओके यू द एंगल्स हुज मेजर्स आर गिवन ब्लू ठीक है इसको क्लासीफाई करना है कि कौन कौन से एंगल्स है फोर्टी फाइव डिग्री कौन सा एंगल है थर्टी कौन सा एट्टी फाइव कौन सा है तो फोर्टी फाइव आपका एक्यूट है ये भी एक्यूट है ये भी एक्यूट है, है ये राइट एंगल है ये एक्यूट है ये टूज एंगल है लाइक दिस यू हैव टू राइट द नेम आल्सो जज करना है कि आपको ये कौन से एंगल्स हैं ओके एंड फिल अप द ब्लैंक्स दैट वाज योअर योर वर्क यू हैव टू डू बायर सेल्फ हम मेन एक्सरसाइज पर स्किप करेंगे सीधे ठीक है जंप करते हैं अब ट्राइंगल्स एंड इट्स टाइप्स पर तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स तो ट्राइंगल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा ट्राइंगल्स थ्री साइड्स होती हैं ट्राइंगल्स में थ्री वर्टेक्स होते हैं वन टू थ्री ये तो साइड हो गई थ्री वर्टेक्स होते हैं ए बी सी ठीक है वर्टेक्स मीन्स ये जो कोने जो होते हैं ना ये ये तीन होते हैं ठीक है और थ्री एंगल्स होते हैं एक एंगल ये है एक एंगल बी है एक एंगल सी है थ्री जगह एंगल्स बन रहे हैं ए बी एंड सी ओके okay? और ट्राइंगल का सिंबल जो होता है वो कैसा होता है ये बना हुआ है देखो ये ट्राइंगल का सिंबल सिंबल है जब भी अगर अपन किसी ट्राइंगल्स को लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी ओके इस ट्राइंगल को लिखना है तो ट्राइंगल ए बी सी ओके नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहला टाइप्स है इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं ये भी ये भी ये भी और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं सिक्सटी 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 डिग्री के और इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल्स होती हैं इक्वलीटल ट्राइंगल की ये खासियत है कि इसके तीनों एंगल और तीनों साइड्स हमें इक्वल देखने को मिलती है ओके okay? अब हम पढ़ेंगे आइसोलेसिस ट्राइंगल आइसोलेसिस ट्राइंगल में क्या है अ ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोलेसिस ट्राइंगल इफ़ टू ऑफ इट्स साइड्स और एंगल्स आर इक्वल जिसकी दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं वो आइसोलेस ट्राइंगल हो गया जैसे ये ये और ये साइड इक्वल है ये और ये एंगल इक्वल है तो ये आइसोलेसट्रा एंगल है दो एंगल और दो साइड जिस ट्राइंगल की इक्वल होती है वो आइसोलेस ट्राइंगल होता है इस कैलन ट्राइंगल क्या होता है स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिसकी एक भी ना तो साइड ना तो एंगल कुछ इक्वल नहीं होता है वो स्केलेन ट्राइंगल होता है होप यू अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल इट मींस कि अभी तो अपन ने पढ़ा राइट एंगल एक्यूट एंगल, ऑप्ट्यूज एंगल अब राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ये एग्जाम्पल यहां पर फिगर बना हुआ है ये एंगल देखो एक 90 डिग्री का है ये क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का दिखाई दे तो वो एक ट्राइंगल कौन सा होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओके नाउ सेकेंड है एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स ठीक है ट्राइंगल इसल ट्राइंगल ऑफ इट्स एंगल्सूट एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है जिसके ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होंक्ट एंगल हो मतलब नाइंटी डिग्री से छोटे हो, हों वो क्या होंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल ओके सारे एंगल क्या होंगे वो एक्ट एंगल ट्राइंगल तो वो एक्ट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा अगर सारे एंगल्स नाइन्टी डिग्री से छोटे होंगे तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे ठीक है नाउ ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल सिंपल सी बात है ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑप्टूज एंगल्ड इफ इट हैज वन ऑप्टूज एंगल वो ट्राइंगल जिसका कोई भी एंग, एक एंगल कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो क्या होगा ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल ओके वो क्या होंगे ऑप्टूज एंगल ट्राइंगल ओके तो अभी अपट एंगल ट्राइंगल आपको बताया है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो आप उसे कह सकते हैं ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल ओके नाउ अपन स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस 6.2 पॉइंट टू लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोविंग ठीक है अब इसमें आपको काउंट करना है कि भाई कितने इसमें ट्राइंगल्स हैं ठीक है तो वन एक ट्राइंगल ये बन रहा है वन एक ये बन रहा है टू एक ये बन रहा है थ्री एक ये बन रहा है फोर और एक ये पूरा एक बड़ा ट्राइंगल तो ये टोटल कितने हैं फाइव इस पर काउंट करेंगे आप टोटल सिक्स ट्राइंगल्स निकलेंगे काउंट करोगे तो ओके नाउ ये है फर्स्ट हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ऑल ईच फिगर तो हमने बताया पहले वाले में कितने हैं फाइव हैं और सेकेंड वाले में आपको ये पूछना है राइट द नेम्स ऑफ ऑल द पॉजिबल ट्राइंगल्स इन ईच केसेस कितने ट्राइंगल बन रहे हैं तो एक तो बन रहा है ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी आपको पीछे आंसर्स में भी दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं आप डायरेक्टली उसमें से ही देख कर लिखना ठीक है सेकेंड वाला जो है इसमें देख कर लिखना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं तो ये सिक्स पॉइंट टू है यहाँ पर हम आंसर सीट देखते हैं ये देखिए उसमें टोटल फाइव है फर्स्ट वाले में फाइव ट्राइंगल्स हैं और उनके नेम्स क्या क्या हैं ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एफ ई एफ बी डी ये ट्राइंगल्स के नेम दिए हुए हैं और सेकेंड वाले में सिक्स ट्राइंगल्स फॉर्म दिए हो डो रहा है और उनके नेम लिखे हुए हैं ओके सो लाइक दिस यू हैव टू जज द नेम्स ऑल्सो जैसे मैंने बताया ए बी डी पढ़ो इसको फिर ए डी ई एक ट्राइंगल ये बन रहा है ए बी डी फिर ट्राइंगल ए डी ई e, देन ट्राइंगल ए ई e, सी फिर ट्राइंगल ए बी C पर ए बी e, ऐसे बहुत से ट्राइंगल बन रहे हैं टोटल सिक्स ट्राइंगल्स बन रहे हैं ओके नाउ द सेकेंड वन आइडेंटिफाई द एंड आइसोलेकेलेन ट्राइंगल फ्रॉम द दिंग तो इसमें देखकर बताना है कौन सा आइसोलेश है कौन सा स्केलेन है और कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फर्स्ट ये दो साइड्स इक्वल्स सा हैं इसका मतलब ये आइसोलेश ट्राइंगल है हेयर थ्री फोर सिक्स एक भी साइड इक्वल नहीं है ये स्केलेन ट्राइंगल है यहाँ तीनों साइड्स इक्वल्स हैं थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर तो ये इक्वेलेट्रल ट्राइंगल है ओके okay, अब ये यह है यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल है मतलब ये इक्वलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पर दो एंगल इक्वल हैं तो ये कौन सा है आइसोलेस ट्राइंगल है यहाँ पर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया आइस स्केलेन ट्राइंगल फिलअप द ब्लैंक्स आपको खुद करना है ओके बाय योर डू योर बाय बाय सेल्फ तो लेटेस्ट प्रैक्टिस 6.1 एंड 6.2 हमारी खत्म हो चुकी है अब हम आते हैं मेन एक्सरसाइज 6.3 पर ओके okay, इसको मैं आपको कॉपी में करके दिखाने वाला हूँ इसीलिए मैंने तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं लेटस्ट प्रैक्टिस 6. सो लेटेस्ट प्रैक्टिस 6.3 मेक अ पॉइंट ओ ऑन योअर नोट नोटबुक तो मैंने यहां पर आपकी एक्सरसाइज का नेम लिख दू आपको भी ये कॉपी में करना है क्योंकि लेटेस्ट प्रैक्टिस सिक्स पॉइंट थ्री ओके क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट अब वो बोल रहा है मेक अ पॉइंट ओ ऑन योर नोट वर्क तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया ओ सही है? इसको नाम दे दिया ओ नाउ विथ नाउ विथ ओ एज सेंटर एंड रेडियस फोर सेंटीमीटर मतलब वो कह रहा है कि अब आप स्केल से फोर सेंटीमीटर की एक रेडियस लीजिए और सर्किल ड्रॉ करिए और उसका मेजर करिए ड मीटर ठीक है तो अब जो है हम यहाँ पर फोर सेंटीमीटर का स्केल खोलेंगे ये है टोटल फोर सेंटीमीटर ठीक है ये है फोर सेंटीमीटर ओके ये है फोर सेंटीमीटर और ये जो अब हमारा है पॉइंट ठीक है इस पॉइंट पर रखेंगे इसको ठीक है और फोर सेंटीमीटर का हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सर्किल आपको पता ही है ये एक सर्किल ड्रॉ करेंगे ठीक है ये एक सर्किल ड्रॉ हो गया फोर सेंटीमीटर का तो ये जो है फोर सेंटीमीटर है ठीक है ये कितना है फोर सेंटीमीटर ओके और वो कह रहा है डायामीटर मेजर करो डाया क्या होता है सर्किल की वो लाइन जो दोनों सर्किल के पर दोनों सर्किल पर टच करे ठीक है दोनों साइड सर्किल पर टच करे तो ये है डायमीटर रेडियस अगर फोर है तो डायमीटर क्या होगा आपका एट हमेशा ध्यान रखना रेडियस अगर फोर है तो डायमीटर एट होगा अगर टू है रेडियस तो डायमीटर फोर हो जाएगा इट मीनस डबल हो जाता है क्या हो जाता है डबल हो, जाता है. हो जाता, है? जाता है रेडियस क्या हो जाता है डायमीटर क्या हो जाता है डबल हो जाता है रेडियस का ओके तो हमेशा ध्यान रखना अगर रेडियस फोर सेंटीमीटर है तो डायमीटर एट सेंटीमीटर अगर रेडियस टू सेंटीमीटर है तो डायमीटर फोर सेंटीमीटर अगर रेडियस एट सेंटीमीटर है तो डायमीटर सिक्सटीन मतलब कि डायमीटर हमेशा डबल होता है किससे रेडियस से तो आप समझ जाइए तो ये तो सर्कल है ये सॉल्यूशन भी है एक तरीके से इसमें मैं समझा भी देता हूँ तो डाया सर्किल को हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है जिसको हम सेमी सर्किल भी बोलते हैं ठीक है तो मतलब डायामीटर ही है एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होती हुई जाती है कहाँ से सेंटर से मतलब कहीं से भी अगर कोई लाइन ड्रॉ करो और जो सर्किल के वो सेंटर से जा रही है तो वो क्या होगी सर्किल की डायामीटर तो सर्किल का सेंटर क्या होता है ये ठीक है जो बीच में होता है ये जो होती है आपकी सेंटर से जो लाइन सर्किल को टच करती है सेंटर से ये लाइन इस सर्किल को टच कर रही है तो ये इसकी क्या हो गई रेडियस ओके और अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरी लाइन सेंटर से होती हुई जा रही है तो वो उसका डायामीटर होती है तो क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे इज द डाया एट सेंटीमीटर तो यस हम लिख देंगे इसमें यस डायामीटर इज एट सेंटीमीटर तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया आपका ठीक है नाउ द सेकंड क्वेश्चन मेक अ पॉइंट ऑन योर नोटबुक पी पॉइंट बनाना है नोटबुक पर आपको नाउ पी एस अ सेंटर पी को सेंटर मानना है और रेडियस फाइव सेंटीमीटर ड्रॉ करना है फिर आपको ये बताना है उसके डायमीटर को मेजर करना है देखना है कि डायमीटर इलेवन सेंटीमीटर है कि नहीं इज़ द डायमीटर इज़ एलेवन सेंटीमीटर तो आंसर तो नो no ही आएगा क्योंकि रेडियस अगर फाइव है तो डायमीटर का डबल होगा टेन तो वो पूछ रहा है इज द डायमीटर इज अलेवन सेंटीमीटर तो आंसर में आपको लिखना है नो द डायमीटर इज नॉट एलेवन सेंटीमीटर तो सबसे पहले आपको पॉइंट पी बनाना है उस पर आपको फाइव सेंटीमीटर रेडियस खींचना है स्केल से ठीक है ड्रॉ करके इस तरीके से ठीक है ये है सेंटीमीटर का स्केल तो आपको इस जीरो से रखना है ऐसे फाइव सेंटीमीटर ऐसे इसको कंपास को खोलना है आपको एग्जैक्ट और आपको क्या बना देना है एक सर्किल बनाना है और आप फिर नीचे आंसर में लिख देंगे नो डायमीटर इज़ नॉट अलेवन सेंटीमीटर दैट वॉज योर वर्क डू वाई योर सेल्फ ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ट्वेंटी सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस वो कह रहा भाई डायमीटर जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस फाइंड करना है तो ठीक है सॉल्यूशन देखेंगे अब अपन थर्ड वाला ठीक है तो आपको क्या दिया हुआ है डायमीटर डायामीटर ऑफ अ सर्किल्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर सो रेडियस क्या होगी आपकी मैंने बताया था अगर डायामीटर ट्वेंटी है तो उसको हाफ कर देंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ अ सर्किल ट्वेंटी सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टू तो कितनी निकलेगी टेन सेंटीमीटर टू वन जा टू टेन जा तो टेन सेंटीमीटर आपकी रेडियस निकल आएगी डायमीटर रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ होती है और डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल तो सिंपल सी बात है डायमीटर ट्वेंटी है तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी टेन तो हाफ निकाल देंगे तो टेन सेंटीमीटर निकल आएगी ओके नाउ फोर्थ वन क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन है मेक अ पॉइंट पी ऑन योर नोटबुक नाउ पी एज अ सेंटर एंड डायमीटर इज ट्वेल्व सेंटीमीटर ड्रॉ अ सर्किल अब देखना वो कह रहा है डायमीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर है तो आप ट्वेल्व सेंटीमीटर का स्केल खींच के डायरेक्ट वो नहीं कर देंगे तो आप सबसे पहले यहां पर लिखना डायमीटर ऑफ अ सर्किल इक्वल्स टू ट्वेल्व सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी होगी क्योंकि सर्किल तो हम रेडियस से ही बनाएंगे रेडियस ऑफ अ सर्किल इक्वल्स टू ट्वेल्व सेंटीमीटर बाय टू हाफ हो जाएगी उसकी तो सिक्स सेंटीमीटर तो अब हम सिक्स सेंटीमीटर का सर्किल बनाएंगे कितने का बनाएंगे सिक्स सेंटी मीटर का तो ये मेज़र करेंगे जीरो से ये सिक्स सेंटीमीटर तक हम बनाएंगे अब हम एक सर्कल बना देंगे ठीक है उसने क्या बोला था एक पॉइंट रखो एक पॉइंट ये है पी ठीक है पेंसिल से बनाना है आपको तो ये इस पॉइंट पर रखेंगे और सिक्स सेंटीमीटर का एक सर्किल बना देंगे ठीक है सर्किल हमेशा रेडियस से बनाया जाता है ये बात ध्यान रखना डायमीटर से नहीं और अगर डायमीटर दिया है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा हाफ करना पड़ेगा फिर आप उसका सर्किल बनाएंगे ठीक है तो ये आपका बन गया सिक्स सेंटीमीटर का सर्किल ठीक है ये आपका सिक्स सेंटीमीटर का सर्किल बन गया और ये है आपका ये कितने सेंटीमीटर का बनाया था हमने फोर सेंटीमीटर का ओके नाउ होप यू अंडरस्टूड अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं सॉल्यूशन फिफ्थ डायमीटर ऑफ अ सर्कल सिक्सटी सें, सिक्सटीन सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस आसान है सिंपल आपको वो ही आपको हाफ कर देना है तो डायमीटर ऑफ सर किल इक्वल्स टू सिक्सटीन सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगी सेंटीमीटर बाय टू डिवाइड कर देंगे तो आएगा टू एट सिक्सटीन तो रेडियस कितनी निकली एट सेंटीमीटर ओके नाउ सिमिलरली सॉल्व सिक्स देख लीजिए इसमें आपको रुको इसमें आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ अ सर्किल थर्टी सेंटीमीटर रेडियस आपको दी हुई है ऑफ अ सर्किल थर्टी सेंटीमीटर डायमीटर आपको निकालना है तो डायमीटर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका डबल कर देंगे तो थर्टी सेंटीमीटर इंटू टू तो ये क्या हो जाएगा सिक्सटी सेंटी मीटर इज़ योर आंसर तो ये आपका डायमीटर निकल आया ओके नाउ सी में कुछ नहीं है द ब्लैंक्स है ये भी आपको ही करना है मैंने बता दिया है अ डायमी सर्किल डिवाइड इन टू सेमी से डायमीटर सर्किल को कितने सेमी सर्किल में डिवाइड करता है तो टू सेमी सर्किल्स में डैश ऑफ अ सर्किल पासिस थ्रू इट्स सेंटर ठीक है मतलब अ डैश ऑफ अ सर्किल मतलब सर्किल की कौन सी चीज है जो सेंटर से पास होती है डायमीटर हाफ सर्किल इज कॉल्ड अ डैश हाफ सर्किल को क्या बोलते हैं सेमी सर्किल बोलते हैं ओके दिस यू हैव टू डू बायर सेल्फ नॉट इन अ कॉपी बट एन योर बुक इट सेल्फ ओके नाउ यू विल स्टार्ट सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव मैंने इसमें करके रखी हुई है आपके लिए तो हम क्वेश्चन देखेंगे और सोल्यूशन इसमें देखते जाएंगे ठीक है ओके okay, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले पेरीमीटर और एरिया क्या होता है ये समझ लेते हैं मान लीजिए ये आपका फिगर है ठीक है ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है ये रेक्टेंगल है ठीक है तो ये तो रेक्टेंगल की लेंथ हो गई और ये रेक्टेंगल की हो गई ब्रेथ ठीक है ये तो हो गई ब्रेथ और ये हो गई रेक्टेंगल ठीक है तो जब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा इस फिगर का तो एरिया मतलब ये अंदर का जो पार्ट्स होता है ये स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर इस कॉल्ड एरिया ठीक है मतलब ये तो हो गया एरिया और पैरीमीटर क्या होता है ये जो बाउंड्री होती है ना ये बाउंड्रीज इसे हम बोलते हैं इस फिगर का पैरीमीटर ठीक है तो पैरीमीटर निकालने के लिए चारों साइडों को प्लस कर दो तो निकल आएगा और इसका फॉर्मूला भी बना हुआ है कि बता रहा हूं पेरीमीटर के लिए होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब कि दो लेंथ को प्लस कर दो, दो ब्रेथ को प्लस कर दो तो आपका निकल आएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ओके सो so, हम एक्स डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 तो 6.5 में सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालना है ठीक है तो फर्स्ट वाला आपको इसमें देखो लेंथ दी है ब्रेथ दी हुई है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इन टू तो लेंथ टेन सेंटीमीटर है ब्रेथ एट सेंटीमीटर है तो टेन एट जा एट्टी दो सेंटीमीटर है सीले स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अब नीचे उसका पेरीमीटर भी निकालना है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है टू इंटू लेंथ और ब्रेथ को प्लस करो और टू से मल्टीप्लाई कर दो तो टेन प्लस एट एट्टीन एट्टीन इंटू टू थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ओके यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो रहा है सीले स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पर प्लस हो रहा है सीले सिर्फ सेंटीमीटर आएगा ये बात ध्यान रखना इसका बी वाला आपका वर्क है नाउ द सॉल्यूशन सेकंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल देखो लेंथ और ब्रेथ दी है रेक्टेंगल की इलेवन सेंटीमीटर और नाइन सेंटीमीटर एरिया और पैरीमीटर निकालना है तो ये सोल्यूशन यहाँ है देखो लेंथ आपकी ये दी हुई है ब्रेथ रेक्टेंगल की दी हुई है एरिया निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ 11 सेंटीमीटर इंटू नाइन सेंटीमीटर 11 नाइन जो नाइनटी स्क्वायर सेंटीमीटर अब पेरीमीटर निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला टू टू लेंथ प्लस ब्रेथ टू लेंथ की जगह इलेवन सेंटीमीटर प्लस की जगह प्लस ब्रेथ की जगह नाइन सेंटीमीटर दोनों को प्लस किया ट्वेंटी सेंटीमीटर टू किया फोर्टी सेंटीमीटर दोनों का टू किया टू और ट्वेंटी का तो फोर्टी सेंटीमीटर नाउ थर्ड वन इज़ योर वर्क फोर्थ वन मैंने आपको किया है यहाँ पर आप देख लीजिए फोर्थ वाला क्या है साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्वेंटी सेंटीमीटर अब एक स्क्वायर है जिसकी साइड ट्वेंटी सेंटीमीटर है उसका पैरीमीटर और एरिया निकालना है तो स्क्वायर के बारे में आपकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी कि चारों साइड्स जो होती हैं स्क्वायर की क्या होती हैं इक्वल होती हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है साइड ऑफ अ स्क्वायर का ठीक है स्क्वायर सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है फोर इंटू साइड ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको स्क्वायर की साइड दी हुई है ट्वेंटी सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड तो ट्वेंटी सेंटीमीटर इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा आपका फोर हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर जब ट्वेंटी को इंटू का ट्वेंटी में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फोर हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है